सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 जनवरी को रामपुर आ रहे हैं। इसी को लेकर रामपुर प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि रामपुर में रठौंडा शिव मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है, ये बताते हैं 650 साल पुराना मंदिर है। जो यहाँ के पुजारी हैं शिव, उनसे बात करते हैं। पुजारी जी, सबसे पहला सवाल कि सूबे के जब मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो किस तरह की तैयारियां आप कर रहे हैं, और आपको भी एक बड़ी जिम्मेदारी कि भाई पुजारी के ऊपर जिम्मेदारी किस तरह से करते हैं, साफ़ सफाई को लेकर किस तरह से इंतज़ाम किए जा रहे हैं, और वो किस समय से किस तरह का कार्यक्रम रहेगा, पूरी बात बताइए। वो लगभग 1 बजे के टाइम की व्यवस्था है। 1 बजे मुख्यमंत्री जी शिव मंदिर रठौंडा में आएंगे और 10 मिनट का उनका प्रोग्राम है मंदिर में, उसके बाद में फिर जनसभा के लिए संबोधित करेंगे। किस तरह में उत्साह है आप लोगों को लेकर कि जब आप सूबे का मुख्यमंत्री खुद आपके पास और फिर मंदिर में दर्शन करने वो आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार हमारे उत्तर प्रदेश के, जो हम तो राजा कहेंगे, कि हमारे राजा साहब जो है वो शिव मंदिर रठौंडा में आ रहे हैं। हम लोग काफ़ी खुश हैं उनके आने से। तो हम देख रहे हैं कि तमाम सारी साफ़ सफाइयाँ चल रही हैं, तमाम सारे लोग तैयारियों में लगे हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे और उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या क्या सौगात, क्या मिलने की उम्मीद और करते हैं, क्या चाहते हैं उनसे आप? अब तो वो तो साहब उनकी इच्छा के ऊपर है, क्या भगवान भोलेनाथ के लिए वो सौगात दे के जाएंगे या क्या वो होगा, लेकिन फिर भी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इसके लिए पर्यटन के रूप में अगर कुछ विकसित हो सके तो ज़्यादा बढ़िया है। हमारे दर्शकों को इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए कि क्या है पूरा, कब से इसका हुआ, पूरी बात बताइए। अब से 650 वर्ष पहले यहाँ पर एक बामी में से भगवान भोलेनाथ निकले हैं, इस वजह से भगवान भोलेनाथ का नाम बाबा बामेश्वर नाथ पड़ा है। और उसके बाद में जो है वो हर महाशिवरात्रि को 15 दिन का सरकारी मेला यहाँ पर लगता है, जो कि जिला पंचायत रामपुर की देखरेख में लगता है, और सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर करी जाती हैं। काफ़ी ये दुकानें 350-400 दुकानें पक्की बनी हुई हैं, उसमें जो है सब कुछ मेला लगता है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से विधानसभा 2022 का चुनाव भी आ रहा है, फिर मुख्यमंत्री का आना, तो एक चुनावी स्टंट तो नहीं है क्या, किस नज़रिए से देखते हैं आप? सर, इस बात के लिए तो हम कुछ नहीं कहेंगे कि ये चुनावी माहौल है या क्या है। हमें तो ये मालूम है कि वो महादेव पर जल चढ़ाने आ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार आए थे तो महादेव पर आ नहीं पाए थे, इस वजह से इस बार तो हम तो ये देख रहे हैं कि वो शंकर जी पे जलाभिषेक के लिए आ रहे हैं। मतलब महादेव खुद बुला रहे हैं कि वो आप आइए और दर्शन करिए। हम आपको मुख्य द्वार के अंदर लेकर चलेंगे और शुभ ओम शर्मा पंडित जी है, उनसे बात करेंगे। पंडित जी आइए, हमें दिखाइए किस तरह से आरती की जाएगी और जल अभिषेक होगा, किस तरह की तैयारियाँ हैं, पूरी बताइए। आइए, सबसे पहले जो है मुख्यमंत्री जी मेन विग्रह जो है भगवान का वहाँ आएंगे यहाँ पे, और यहाँ बैठ के उत्तर साइड के लिए अपना मुख करके और भगवान का अभिषेक करेंगे। उसके बाद में फिर गौरी शंकर भगवान जो हैं हमारे, उनका दर्शन करेंगे। उसके बाद में और भी जो मूर्ति लगी हुई है बालाजी महाराज की, गायत्री माता जो भी हैं, उनके सबके दर्शन करेंगे। उसके बाद में उनके लिए जो भी आरती है आरती करवाई जाएगी। उसके बाद में उन्हें जो भी भेंट करने हैं वो भेंट करा जाएगा, सॉल वगैरह। तो काफ़ी लोग प्रसाद भी लेने आएंगे, और ऐसे में आप लोग किस तरह से इंतज़ाम कर रहे हैं? प्रसाद के लिए तो अभी ऐसी कोई व्यवस्था ये पता ना चल पाई है कि कितने लोग मंदिर में आएंगे उनके साथ में, जैसे भी जिस हिसाब से पता चलेगी 1-2 दिन में, उसी हिसाब से और व्यवस्था कर दी जाएगी। अभी तो सिर्फ मुख्यमंत्री जी और जो उनके साथ में 2-4 लोग आएंगे उन्हीं के हिसाब से व्यवस्था करी गई है। समय क्या है पूजा का, कुछ अभी हुआ है? समय की अभी कोई पता नहीं, बताया नहीं गया है प्रशासन की ओर से कि कै बजे आएंगे, और लगभग 10 मिनट का समय है मंदिर का। तो आपने देखा जो मंदिर के पुजारी हैं, हमने आपको सीधी तस्वीरें दिखाई अंदर की भी, कि वो बता रहे हैं हमने पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं और किस समय पूजा अर्चना की जाएगी, और मंदिर के दर्शन भी किए जाएंगे और पूजा भी रहेगी। रामपुर से जिशांत खान।